टॉपिक लिखो वेक्टर, ठीक है? क्या टॉपिक का नाम है? वेक्टर, ठीक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं क्या पढ़े थे? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है। इसमें लगभग मोटा मोटी कितना, 8 से 9 क्लास लगेगा टोटल, ठीक है। वेक्टर में देखो क्या है कि वेक्टर बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी नाम सुना होगा, नहीं? पहले जो हम लोग पढ़े थे क्या क्या होता है, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, मास, मोमेंटम, फोर्स, और क्या क्या, एक्सेलरेशन, हाँ वेरी गुड, और वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी सुने हैं, ठीक है। तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, हाँ वेरी गुड, स्केलर एंड स्केलर एंड स्केलर एंड स्केलर क्या होता है, हाँ जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। और ये हाँ क्या बोला, साथ में ट्रायंगल रूल ऑफ को फॉलो करता है। तो ये देखो, ये तो किताबी लैंग्वेज है, इसको थोड़ा फील करने के लिए, ठीक है, इसको अच्छा से और समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेंगे तो पता चलेगा कि क्या हमारे लिए डायरेक्शन जरूरी है या नहीं है, ठीक है, क्या हमारे जीवन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो जिसे समझने के लिए देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट कि ये मान लो एक इस तरह का ना रास्ता है, ठीक, फर्स्ट क्लास रास्ता, ये रास्ता आगे जाके फिर इधर चला गया, फिर आगे जाके इसका इधर चला गया, फिर आगे गया से, ठीक, NH, रास्ता का क्या नाम है, NH 32, एक पिक्चर भी आया ना है, NH 32, ये तुम्हारा रास्ता है, ठीक। और यहां पर एक मान लो पान का गुमटी, नहीं झोपड़ी टाइप का बना है बट है क्या, पान का गुमटी है, क्लियर। अब इस पान के गुमटी के अगल बगल क्या होता है, ये तो सबको पता है, हैं? पूरा चलता है, पान परा, गुटका, रजनीगंधा काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा भीड़ भड़का है और ये पूरा चल रहा है, ठीक, पान का गुमटी है, काफी भीड़ भाड़ है लगा हुआ, बोल क्लियर, ठीक। भाई लोग गुमटी से निकाल के पान गुटका जो भी है चल रहा पूरा। इसी में देखो क्या है कि एक चमत्कारी है, चमत्कारी आदमी चोर है, क्या है ये, चोर, मान लो ये आदमी, ठीक। अब चोर का क्या रोल होता है तो पता ही है, जग जाहिर है, मार लिया किसी का, नहीं निकाल लिया पूरा बटुआ, ठीक। अब वो चोर जो है जिसका निकाला वो तो नहीं पता, नहीं कौन धुन में था उसको तो पता भी नहीं चला, सामने वाला देख लिया, अरे ये तो बटुआ मार लिया, तो लगा उसको दौड़ाने, चोर 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 पूरा चिल्लाने लगा, ठीक, पूरा उसके पब्लिक जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो देखो ये जो पब्लिक दौड़ा तो दैट मान लो ये आगे में ये भाई साहब तो चोर हो गए और पीछे में पब्लिक लोग क्या कर रहा है, सब इसको लगा दौड़ाने, चोर 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 चोर, अब ये भाग रहा है, ठीक। इधर पर भी देख रहा है कि कुछ भाई लोग यहां पर है, कुछ पुलिस उलिस है, तो इधर तो जाएगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, कुटा जाएगा, सारा कर्म वहीं हो जाएगा। तो देखो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या होता है कि सीधा नहीं भागता है, थोड़ा बायां तरफ चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है, ठीक। अंततः देखो क्या हुआ, ये ऐसे भागा फिर ऐसे भागा और अंततः यहां पर जाके ये पकड़ा गया, धुना गया, सारा कर्म यहीं पर हो गया, ठीक, कुटा गया टोटल इसका। अब देखो मान लो ये जो भागा है ना, तो इधर भागा और फिर इधर भागा, ठीक, इधर और इधर कितना भागा है वो हम लोग फिगर में, सेपरेट फिगर में हम बता रहे हैं। तो मान लो ये चोर जो है ना इधर भागा, मान लो समझने के लिए 12 किलोमीटर, कितना भागा, गजब भागा, नहीं
किलोमीटर मायने रखता है। हाँ, और फिर इधर भागा कितना, 5 किलोमीटर। ठीक, तो ये ए से बी हो गया 12 किलोमीटर और बी से सी हो गया तेरा 5 किलोमीटर। बोल क्लियर है? अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा, क्या होगा? हाँ, तो आसानी से कर देंगे, 12 + 5 कितना, तो 12 + 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 12 + 5 कितना, तो डिस्टेंस पूछेगा बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो 12 + 5 क्या होगा, 7 मीटर। अब पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू क्या होगा, फंस गया है, 13 मीटर। तो तब होगा भाई साहब जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम को तब फॉलो करेगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। बट थीटा हम बना है क्या? थीटा तो कुछ भी नहीं बना है, ये तो एकदम अननोन चीज है। तो 13 मीटर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169, 13 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, कि इसका मतलब ये एसी जो हमको निकलेगा क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि ये थीटा क्या है? अरे बोलो, क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा क्या है, ये थीटा क्या है या ये थीटा क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। बोल क्लियर है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल इज रिक्वायर्ड, तभी उसका वैल्यू हम जान पाएंगे। अगर मान लो थीटा का वैल्यू कुछ और होगा तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको समझने के लिए मान लो कि ये ऐसे गया और फिर ऐसे से ऐसे गया, तो ये 12 किलोमीटर ऐसे हुआ और 5 किलोमीटर ये हो गया, और ये थीटा का वैल्यू अब 90 डिग्री है, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो डिस्टेंस पूछा जाए तो 12 + 5 कितना, 17, और डिस्प्लेसमेंट जो है 13 होगा। अब ये 13 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तब आएगा। बोल क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो 5 किलोमीटर 90 डिग्री पे नहीं भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, पता नहीं जैसे तैसे भाग गया, सारे केस में डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना, हाँ 12 + 5, 12 + 5, एवरी केस में डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर, बट एवरी केस में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 17 किलोमीटर, नॉट 12 किलोमीटर, नॉट 13 किलोमीटर। पता है इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का? तो 12 + 5, 17, अगर स्ट्रेट भागा होता तो ये पूरा लेंथ क्या होता, तो ये 12 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो पूरा 12 + 5, 17 किलोमीटर होता अगर लगातार भागा होता तो, और अगर बैक लौटता होता तो 5 किलोमीटर बैक लौट गया, तो फिर यहां से यहां का बीच का जो हुआ वो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो 7 किलोमीटर से 17 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे, थीटा चेंज तो उसका वैल्यू चेंज, उसका इफेक्ट चेंज नहीं, थीटा के वैल्यू के चेंज होने से उसका वैल्यू चेंज, उसका इफेक्ट चेंज, बट क्या डिस्टेंस इज चेंजिंग, नहीं, ऐसो भागा तो भी 17, उधर भागा तो भी 17, पीछे लौटा तो भी, थीटा का किसी भी वैल्यू पे भागा होगा, सारे केस में आंसर कितना होगा, 17। बोल थोड़ा थोड़ा समझ। ठीक, इसका मतलब एंगल इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, हाँ एंगल इज रिक्वायर्ड, बिना एंगल का हम उसका सही से इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए हमको थीटा, दैट इज एंगल इज व्हाट रिक्वायर्ड, एंगल अगर सही से ज्ञान नहीं होगा तो हम वी कैन नॉट फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स आर देयर स्केलर का भी, और बहुत सारे एग्जांपल्स आर देयर किसका, वेक्टर का, क्या क्या एग्जांपल है स्केलर का और वेक्टर का। देखो अगर हम लोग ये देखें तो ये मान लो स्केलर का लिस्ट बना लेते हैं और ये वेक्टर का लिस्ट बना लेते हैं, बोलो क्या क्या होगा स्केलर में, भैया इधर तो डिस्टेंस होगा और इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इधर करंट क्या है स्केलर, फोर्स क्या है स्पीड क्या है, टाइम क्या है स्केलर, मास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स आर देयर जो एग्जांपल है स्केलर का, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स आर देयर जो क्या चीज का है वेक्टर का, वेक्टर का क्या है फोर्स हो गया, हाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल है, टॉर्क आ जाएगा,
एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, बहुत सारा आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा बात ये समझ में आ रहा है कि थीटा इज रिक्वायर्ड किसके लिए, वेक्टर के लिए। और थीटा का वैल्यू चेंज होने से उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, बाकी डिस्टेंस में इफेक्ट उसका चेंज नहीं होता। और बढ़िया से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि इसमें क्या है क्या है, क्या जरूरी पड़ता है, तो हम लोग फिर बहुत अच्छा से और आगे जाके उसको ये देख सकते हैं कि इसमें क्या जरूरी है, उसमें क्या जरूरी है, उसमें इसके थीटा के चेंज होने से और क्या फर्क पड़ता है, ये सब सारी बात समझने के लिए, ताकि हमको और थोड़ा फील आए तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, अब देखो मान लो कि इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज फोर्स को देखते हैं कि फोर्स में क्या थीटा का वैल्यू के चेंज होने से क्या उसके ऊपर असर पड़ता है क्या। तो फोर्स समझने के लिए देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, फोर्स को समझने के लिए कि सपोज दैट कि मान लो कि सपोज दैट इसी तरह से गर्मी का छुट्टी का दिन है, नहीं गर्मी का छुट्टी का दिन है, एक महीना का छुट्टी मिला है और किसी फैमिली को जाना है घूमने के लिए, गर्मी में सबको निकलता है, एक महीना पूरा साल भर इंतजार रहता है गर्मी का, सलाब गर्मी आए तो एक महीना का छुट्टी, कोई नानी घर भागता है, कोई दादी घर भागता है, कोई घूमता है फैमिली के साथ, जो बढ़िया परिवार है ऑफिसर टाइप का वो तो चल देता है कुल्लू मनाली गैंगटोक वगैरह, बहुत सारा हिल स्टेशन है घूमने के लिए, एक से एक जगह है। ठीक है, तो उसी तरह से देखो मान लो कि एक फैमिली है उसको घूमने जाना है, ऑफिसर टाइप का आदमी है, कुल्लू मनाली जाना है, कहाँ जाना है, कुल्लू मनाली जाना है। अब उसके साथ तो सीधे ऐसे चल नहीं देगा, सामान वान भी रहेगा, बैग रहेगा, अटैची रहेगा, खाने का सामान रहेगा, वाटर बोतल रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा, ये ऐसे उठा पुठा चल दिया नहीं। अब देखो वो कुल्लू मनाली जाने के लिए उसको मान लो कि सपोज ये जो फैमिली है तो ये VIP अटैची ले लेते हैं, बोल क्लियर है। अब इसमें ऐसे लगा हुआ है, अब ये फोर्स किधर लगाएगा, आदमी जो है हाँ लगाएगा आगे, क्या पूरा उसी लेवल पे लगाएगा, इसी लेवल पे, ये तुम्हारा ऐसे VIP है और फोर्स ऐसे लगाएगा, ऐसे तो तब लगाता ना भाई जब वो उसी लेवल पे होता, नाटा टाइप का नहीं, हाइट बिल्कुल VIP टाइप का होता तो उसी लेवल में ऐसे 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 करके खींचते जाता, लेकिन ऑफिसर टाइप का आदमी है कुल्लू मनाली जाने है। तो ये पूरा ऐसे करके लगाएगा, ठीक है, अच्छा लगाएगा इसी टाइप का, और भी बहुत सारा रास्ता है ले जाने का, VIP को माथा पे उठाया चल दिया, ठीक है, माथा पे ले जाएगा तो सबको को समझ में आ जाएगा चले ही इसी फैमिली का है, नहीं तो खैर उस टाइप का नहीं है, बढ़िया फैमिली है, कुल्लू मनाली जाना, ऑफिसर टाइप का आदमी है। ठीक, तो ये देखो क्या है कि जाने के लिए फोर्स लगाएगा, इस टाइप का भी नहीं लगाएगा, इस टाइप का भी नहीं लगाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा लगाएगा, तभी वो उसका बैग जो है आराम से देगा रेलवे स्टेशन पर या बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म पे, हवाई अड्डा पे पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP अटैची रहता है, ऐसे एकदम पूरा ये करके एकदम ऐसे आराम से ले जाता है, ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो ये जो देख रहा है ना, ये जो फोर्स लगा रहा है किसी एंगल पे लगा रहा है कि बिल्कुल ऐसे ले जा रहा है, कि ऐसे ले जा रहा है, नहीं पूरा ऑफिसर टाइप का आदमी है, ठीक, उसको फील भी आना चाहिए कि हाँ हम जा रहे हैं। ठीक, तो ये फोर्स ऐसे लगाया और इसका फिगर हम ऐसे बना रहे, बोल गए चल दिया फैमिली कहा, ठीक, उसके पीछे उसका बेटा और उसके पीछे, हाँ उसके पीछे खतरनाक बीबी, खतरनाक बीबी, बीबी हमेशा, हाँ और उसके पीछे शैतान बेटा। ठीक, व्हाट्सएप का लैंग्वेज में लिखो तो खतरनाक बीबी, सही स्पेलिंग है शैतान बेटा, वारे बेटा, कैसा बेटा, और ये बेचारा पति, बेचारा पति, और कहां चल दिया, कुल्लू मनाली। देखो फोर्स ऐसे लगाया, बोल क्लियर है,
अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये मान लो रहा थीटा, क्या थीटा के चेंज होने से इसके वैल्यू पे भी फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मान लो ये वीआईपी का जो बैग है, ये रहा वीआईपी, फोर्स अगर ऐसे लगाया होता तो उसको बहुत ज्यादा भरपूर फायदा मिलता। अगर मान लो सपोज दैट कि बेचारे अपना जीवन से ये तंग हो गया, ये ज्यादा इसके पास ताकत नहीं है, सपोज ये मात्र 10 किलो का वजन ही उठा सकता है, तो 10 किलो का वजन उठाएगा तो ये 10 इंटू जी, एम गुना जी अगर सॉल्व करेंगे तो कितने फोर्स का ये 100 न्यूटन का, एम गुना जी, एम 10 के जी और जी का वैल्यू क्या 10, तो मात्र ये 100 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो सपोज दैट समझने के लिए कि अगर ये फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन ही लगा सकता है, बेचारा दम थक जीवन से थका आ रहा, पूरा खत्म कहानी है इसका, इससे ज्यादा ये फोर्स लगा ही नहीं सकता है। और इसको जाना है कुल्लू मनाली, अब ये रेलवे स्टेशन है यहां पर तुम्हारा, इधर प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और मात्र ये 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है। तो अगर मान लो फोर्स ऐसे लगाता तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा होता, और अगर इधर लगाता तो अगर इधर फोर्स लगाएगा तो क्या इधर ऊपर का कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और अगर ऊपर फोर्स लगाया तो इधर का कोई फायदा नहीं मिलेगा, और टेढ़ा लगाया, हाँ टेढ़ा लगाया तो इधरों कुछ फायदा मिलेगा, इधरों कुछ फायदा मिलेगा। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन में, ठीक है, ये एग्जाम्पल रेजोल्यूशन में भी लेंगे। तो अगर ये फोर्स एफ है और ये एंगल थीटा है, तो इधर का जो फोर्स आएगा वो एफ कॉस थीटा आएगा, और इधर का जो इफेक्ट आएगा, कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट, हाँ साइन थीटा है, तो ये इधर का इफेक्ट जो होगा ना, उसका जो इफेक्ट ये ऐसे आएगा, आगे जाके पढ़ेंगे। खैर अभी भी समझ में आ रहा होगा कि थीटा के चेंज होने से उसके इफेक्ट पे भी फर्क पड़ रहा है। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो कोई इफेक्ट वाई की तरफ नहीं होगा, अगर वाई की तरफ फोर्स लगाया जाए तो एक्स की तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर टेढ़ा लगाया जाए तो उसका इफेक्ट एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा। इसका मतलब थीटा के चेंज होने से उसके इफेक्ट पे भी फर्क पड़ रहा है। जैसे फोर्स में पड़ा था वैसे डिस्प्लेसमेंट में पड़ा है, नहीं वैसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट में पड़ा है, बोल के लिए। इसका मतलब भैया जो जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसमें थीटा के चेंज होने से कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उस पर थीटा के चेंज होने से उसके वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पड़ा, फोर्स में पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। अब मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते समझने के लिए, तो हम लोग डिस्टेंस थोड़ा बार समझ में आ गया कि थीटा के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है, फोर्सों में फर्क पड़ता है। अरे बोलो। अच्छा करंट में देखा जाए, करंट में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर, स्केलर। करंट को समझने के लिए सपोज दैट कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट कि हम लोग समझना है कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, ठीक। तो सपोज समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट मान लो एक इस टाइप से टीवी है, सोनी 4K, नहीं 4K का जमाना है, ठीक, और ये ऐसे करके ना टेबल पे रखा हुआ है, शोकेस पे रखा हुआ है, चलो ठीक, और फैमिली लोग जो है पूरा बैठा हुआ देखने के लिए चेयर वर पर आराम से चाय का चुस्की ले रहा है, ठीक। अब ये सोनी टीवी लगा देने से तो चलने नहीं लगेगा, इसके लिए बिजली भी चाहिए, करंट भी चाहिए। कैसे लगा दिया 2.5 लाख का सोनी का 4K और स्टार्ट, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, कनेक्शन देना होगा, वायरिंग करना होगा, ठीक है। तो वायरिंग के लिए देखो क्या है कि वायरिंग के लिए मान लो कि ये तार जो है ऐसे निकला हुआ है और ऐसे करके जो है ये सॉकेट बना हुआ रहता है, मेल फीमेल न्यूट्रल सब इसमें ऐसे डाला हुआ रहेगा, ये हाँ प्लग रहेगा, स्विच रहेगा, ठीक है, ऐसे दबाएगा तब ये चलेगा। अच्छा ये तार देखो, ये तार का भी बहुत सारा अलग अलग कहानी, सबके घर में ये तार एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग तरह का रहता है। देखा होगा तुम्हारा
आजकल तो एक से एक इंटीरियर आ गया है सभी के घरों में, नहीं फर्स्ट क्लास सारा अंडर वायरिंग रहता है, दिखता भी नहीं है कि कहाँ, खाली एक बोर्ड मॉड्यूलर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, बाकी और कोई तार तार नहीं दिखाई देता उसका, सारा खाली बस खोज देना ठीक है। लेकिन हम लोग के घरों में एवरेज फैमिली ठीक है, अजीब टाइप का तार का भी कहानी है, पूरा ऐसे तार निकला हुआ रहेगा पूरा लंबा, कोई काटता नहीं है इन्हें कि इधर उधर जो है काटता नहीं है बिल्कुल, मतलब ना उसी को पूरा सरिया करके ऐसे ऐसे बांध करके लपेटा मार करके और ठीक है। ऐसा शाहरुख खान या सलमान खान के घर में ऐसा होगा क्या, पूरा ऐसे लपेटा मारा कांटी करके खुट्टी लगाया और फिर उसका, उन लोग का घर में ना फर्स्ट क्लास सेलिब्रिटी लोग जो होता है एक नंबर का काम, तो तार दिखाई नहीं देता, खाली टीवी दिखाई देता उसके अंदर 4K का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है पिक्चर दिखाई देता, तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा ठीक। लेकिन हम लोग के घरों में तो पता नहीं तुम लोग का क्या है, हाँ टोटल तारे दिखेगा पूरा। अच्छा उस तार का बहुत सारा यूज भी है, हाँ आराम से जो है उधर से नहा हुआ क्या है गमछा झाड़ा पूरा और उसी पे पसार दिया, गंजी जंगिया सब उसी पे चल रहा है, नहीं जब तक कभी भयंकर वाला कांड नहीं होगा तब तक वायरिंग होता ही नहीं, मतलब सारा टोटल तारे पे हो रहा है, बच्चा का खिलौना सूख रहा है, बच्चा का सारा आइटम वहीं पर लटका हुआ है ठीक। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब कि ये जो तार है ऐसे गया हुआ है और पिक्चर चल रहा है ठीक है, धूम धड़ाका पूरा चल रहा है, बीड़ी जलेले नहीं क्या चल रहा है, बीड़ी जलेले ठीक, पूरा धूम धड़ाका चल रहा है, सोनी 4K है आराम से पूरा दम धनाधन ठीक। अब सुनो ये तार का कहानी समझ में आ गया, अब सारे घर में तार सेम डायरेक्शन की अलग 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 ठीक। अब देखो क्या है कि किसी के घर में ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, किसी के घर में ऐसे गया ऐसे गया, किसी के घर में ऐसे गया, किसी घर में लपेटा उपेटा मारा हुआ ऐसे गया, क्या सारे केस में पिक्चर का क्वालिटी सेम की अलग अलग, सेम अलग अलग होगा क्या, अलग अलग नहीं होगा ठीक, सब में वैसा ही बीड़ी जलेगा, सब में उसी तरह का परफॉर्मेंस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब थीटा के चेंज होने से क्या उसके इफेक्ट पे फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर ऐसे तार गया तो भी वही, ऐसे गया तो भी इफेक्ट, सारे केस में थीटा का वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ में यह भी चीज आया कि जैसे मान लो मेन तार आया, मेन तार आने के बाद एक तार चला गया टीवी में और एक मान लो बहुत सारा घर में तो यूज होता है फ्रिज में चला गया फिर ये चला गया, तो मान लो उसमें यह भी होता है कि अगर तो इधर अगर मान लो 2 एम्पियर चला जाता है तो पता है इधर कितना जाएगा 8 एम्पियर। चाहे ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, थीटा का वैल्यू के चेंज होने से इसका रिजल्टिंग फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं जबकि वेक्टर क्वांटिटी आगे जाके जो पढ़ेंगे उसमें थीटा का वैल्यू पता है, उसमें हम लोग जैसे मान लो कि अगर ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए थीटा का वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, या इसका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा, थीटा के चेंज होने से रिजल्टेंट फोर्स पे भी फर्क पड़ता है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें, लेकिन जो स्केलर है उसमें थीटा के चेंज होने से उसके रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो कि इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 4 एम्पियर आया और ये थीटा कुछ भी हो, इधर कितना जाएगा 6 एम्पियर ठीक। बट अगर मान लो ये फोर्स रहेगा तो इधर से फोर्स लगा इधर से फोर्स लगा, तो इसका रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा क्या है, तो अगर ये F1 है ये F2 है तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो भाई साहब ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। आगे जाके पढ़ेंगे ये रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा आएगा, क्या आएगा आगे जाके पढ़ेंगे तो अंडर रूट वर्स F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या cos थीटा, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यस इसका थीटा पे डिपेंड, मतलब इसका वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बट इस केस में थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब तो हमारा बहुत सारा चीज क्लियर हो गया,
कि जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसमें थीटा के चेंज होने से उसका इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके रिजल्टेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे केस में वही होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी का लिस्ट है उसमें थीटा के चेंज होने से फर्क पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क पड़ा, एवरी थीटा पे अलग अलग वैल्यूएशन हुआ, फोर्स पे भी फर्क पड़ा, करेंट पे फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस पे फर्क बोल क्लियर है। तो अब हम लोग डेफिनेशन तो बहुत सारा क्लियर हो गया, तो हम स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, थीटा इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। नहीं यार, दोज फिजिकल क्वांटिटी क्या विच हैव विच डज नॉट रिक्वायर क्या डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और जबकि वैक्टर क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड हाँ एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड व्हाट। लिखो वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर का डेफिनेशन इसको उतारो, ठीक है, पहले इसको उतारो स्केलर एंड वेक्टर को। डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे तो हम लोग एबीसीडी के नाम से जाना जाएगा, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी को वेक्टर मानेंगे, ये वेक्टर का कोई ना कोई ये लिस्ट में कोई ना कोई एग्जांपल है, ए हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, उसी की जगह पर हम लोग एबीसीडी यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर होगा तो बस डायरेक्ट हम यही यूज करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो हम एस लिखाएंगे और उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी ही अंडरस्टूड हो जाएगा। फोर्स है तो एफ लिख के ऊपर एरो दे देंगे, एक्सेलरेशन ए लिख के ए कर देंगे, वेलोसिटी है वी लिख के एरो कर देंगे, टॉर्क है ऐसे कर देंगे, ठीक। जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन का जरूरी नहीं है, जैसे अगर डिस्टेंस होगा तो सिंपली डी से इंडिकेट कर देंगे, कोई स्पेशल जरूरी नहीं है, करेंट आई, स्पीड वी, टाइम टी, मास एम, ऐसे करके सोन। जो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें ऐसे हम लोग लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन क्या, इसका मतलब क्या है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या रिप्रेजेंटेशन हमारे जीवन में मायने रखता है? यस yes, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, देखना ना रास्ते जाते वक्त जो है, हाँ, NH32 और दुनिया भर का जो आगे जाते वक्त जो रास्ता मिलेगा तो देखो बीच बीच में मोड़ आता है ना, जैसे मान लो GT रोड में जा रहा है तो बीच बीच में मोड़ आता है, चौराहा आता है, एक रास्ता उधर चल जाता है, एक रास्ता उधर चल जाता है, मान लो यहां से तुमको जाना है पटना जाना है या बाबा धाम जाना है, ठीक है, तो GT रोड में जा रहा है, बीच बीच में मोड़ आता गया तो मोड़ आता गया तो मान लो आगे गया तो धनबाद आया, तो धनबाद के बाद फिर कुछ और आया, कुछ और आया, तो यहां पर क्या धनबाद आया तो मान लो वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, धनबाद लिख के जिसे रास्ता है मान लो यही रास्ता ले लेते हैं और एक मोड़ इधर चला गया, ठीक। अब यहां पर देखना अक्सर बोर्ड लिखा हुआ रहता है, सीमेंटेड बोर्ड रहता है भारत सरकार का, ठीक है, और यहां पर पूरा ये अच्छा सा यहां पर ये लिखा रहता है। अब मान लो इस रास्ते में धनबाद है तो धनबाद लिख दिया, और धनबाद लिखने के बाद क्या लगा दिया, डायरेक्शन शो करना, तो क्या एरो लगाया कि धनबाद लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, कॉमा दे दिया, ऐसा देता है क्या? इधर मान लो कुछ और जाना है, गिरिडीह जाना है, ठीक, कहां जाना है, गिरिडीह, तो यहां गिरिडीह लिख के फुल स्टॉप डाल दिया, चलो कोई सरकार हो तुरंत डूब जाएगा, नहीं कोई सरकार हो तुरंत कहानी उसका खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सही डायरेक्शन होना चाहिए, तो वहां कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, दुनिया भर का सिंबल सार दिया, क्या वो सब यूज होगा, क्या यूज होना चाहिए, हाँ एरो यूज होना चाहिए, इसका मतलब कहीं भी डायरेक्शन शो करना हो तो ये एरो का जरूरी पड़ता है। देखो दिल से निकला कि नहीं, कहां से निकला, एरो, एरो इज परफेक्ट सिंबल टू शो द डायरेक्शन, इसीलिए तो हम लोग एरो यूज करते हैं, देखो एरो 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 एरो, ठीक, इसीलिए एरोज आर यूज्ड टू शो व्हाट, डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन शो करना हो तो हम लोग एरो यूज करेंगे, तो वो फिजिकल
सिंगल क्वांटिटी लीक करके हम उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो वो एरो का मतलब हो गया कि दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। बोल क्लियर है? अच्छा, स्केलर वेक्टर हो गया। अब हम लोग बार बार ना एक पर्टिकुलर वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एबीसीडी के ऊपर पढ़ेंगे, और फिर जब इसके ऊपर सीख जाएंगे तो फिर बोलेंगे ये भैया किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, फोर्स रहेगा तब भी लगाएंगे, एक्सेलरेशन रहेगा तब भी लगाएंगे। तो हम इस सब के लिए ना जनरल वेक्टर के लिए हम लोग ए वेक्टर यूज करेंगे, बी वेक्टर यूज करेंगे, सी वेक्टर यूज करेंगे और डी वेक्टर। जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब एबीसीडी लेटर्स आर व्हाट, ये कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा और वो वेक्टर क्वांटिटी वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा। बोल के क्लियर है? तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, कोई वेक्टर मान लो हो, जैसे कि सपोज दैट कि एक आदमी जो है, एक आदमी मान लो ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, या इधर ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट ले लेते हैं, इधर नॉर्थ ले लेते हैं और इधर साउथ ले लेते हैं। एक आदमी मान लो यहां पर है, ठीक है, और ये मान लो ये आदमी जो है 100 मीटर इधर गया, ठीक। ये हम लोग वेक्टर का, ये वेक्टर में हम लोग कोई भी वेक्टर जिसे मान लो ए है, तो ए वेक्टर है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं, दिस विल बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ए क्या है, ए कोई भी वेक्टर का जो लिस्ट है ना, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो हम लोग ए लिख दिए, मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि ऊपर में क्या लगा दिए, एरो लगा दिए। अब देखो ये वाला जो एरो है, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका ये वाला पार्ट जो है टेल कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा, ठीक। और इसका जो लेंथ है, लेंथ बोले तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंथ साइज इंटेंसिटी ऑल आर पर्यायवाची शब्द, सारा शब्द क्या है, क्या क्या, लेंथ मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी मॉडुलस सब चीज एक ही है। तो अगर इसका लेंथ रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब इस वेक्टर का लेंथ हो गया, इस वेक्टर का साइज हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है, फोर्स के लिए भी, वेलोसिटी के लिए, जनरल में हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे मान लो कि एक आदमी जो है दौड़ा, तो इधर दौड़ा 100 मीटर और ये थीटा मान लो 37 डिग्री बना के, अब ये 37 डिग्री किसके साथ, ईस्ट के साथ, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, नहीं 37 डिग्री किधर, विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो देखो एक आदमी जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दौड़ा कितना 100 मीटर, 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, किस तरफ। अब ईस्ट तो ये है, तो 37 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट किधर हो गया, तो विथ रिस्पेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग देखो लिखेंगे एस, डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना, वी आर इंटरेस्टेड टू क्या, डिस्प्लेसमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो एस वेक्टर लिख देंगे और कितना 100 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, और ब्रैकेट में डायरेक्शन लिख देंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा 37 डिग्री, हाँ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट, नॉर्थ की तरफ, नहीं आया, क्या लिखेंगे 100 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस विल बी व्हाट, हाँ, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर देखेगा तो 100 मीटर क्या एक बित्ता 4 उंगली होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर है तो एक बित्ता 4, ये ओनली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो एक बित्ता और 4 उंगली जो है, ये बेसिकली मतलब कि हम लोग किसी भी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड है तो हम लोग को अपने आप पहले एज्यूम कर लेना होगा, असाइन कर लेना होगा कि किस वेक्टर के लिए कितना लेना है। अगर हम देखो एक बित्ता 4 उंगली
अगर 100 मीटर के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर 50 मीटर करना होगा तो आधा बीता दो अंगुली करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर होता है। हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विद्वानों ने क्या बोला कि जितना ज्यादा लेंथ होगा इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है, जितना कम लेंथ होगा तो ये माना जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम है। तो बेसिकली लेंथ जो है वो उसका साइज बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ, जितना लेंथ ऑफ द वेक्टर, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना माना जाएगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मोर लेंथ मोर मैग्नीट्यूड, लेस लेंथ लेस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द वेक्टर। अब देखो हम लोग क्या है, एस बराबर क्या लिखेंगे, 100 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसे होगा, सुनो, अगर मान लो 50 मीटर शो करना हो तो ये जितना एक बीता चार अंगुली लिया ना तो आधा बीता तो मोटा मोटी ऐसे लेना होगा, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। और मान लो थीटा ये कितना है, 37 डिग्री, ये मान लो ईस्ट है, ये क्या होता है ऊपर में नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, सॉरी वेस्ट, और ये क्या होता है साउथ। अब इसमें क्या लिखेगा, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा एस वेक्टर बराबर व्हाट, 50 मीटर और क्या, हाँ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बोल क्लियर है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऐसे, तो ये बेसिकली इधर वाला जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा लेंथ यूज करना पड़ेगा, जितना कम मैग्नीट्यूड उतना कम लेंथ यूज करना पड़ेगा, बोल क्लियर है। तो कैसे कैसे लिखा जाएगा ये समझ में आ रहा है। अब लेंथ बेसिकली डायरेक्शन ये बताता है। अब डायरेक्शन देखो बहुत तरह से हो सकता है कि जैसे मान लो, अब बोला जाए डायरेक्शन कैसे कैसे हुआ, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो क्या लिखेगा बताओ, बोला जाए क्या लिखेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड जो भी है खाली डायरेक्शन बताओ क्या लिखेंगे। मैग्नीट्यूड को हम जो होगा लिख देंगे, मैग्नीट्यूड जितना भी होगा लिख देंगे, हमको खाली डायरेक्शन बताओ कैसे कैसे लिखेंगे। हाँ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। अगर मान लो ये अगर 30 है तो ये क्या 60 होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ होगा, तो बोल इसके लिए ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हाँ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या होगा नॉर्थ विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, किधर, वेस्ट के तरफ की ईस्ट के तरफ, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ रेफरेंस लेवल क्या है, रेफरेंस लाइन नॉर्थ है, और यहाँ रेफरेंस लाइन कोई भी डायरेक्शन शो करता है, कर सकता है। देखो अगर मान लो ये 30 डिग्री है, बोल तो क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, ये हमारा ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, बोल क्या लिखेंगे, हाँ 30 डिग्री हाँ नॉर्थ ऑफ, बोल क्लियर है, या ये 60 डिग्री भी हो सकता है, बोलो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या डायरेक्शन समझ में आता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और जो डायरेक्शन होगा, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा मैग्नीट्यूड पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाएगा, समझ में आ रहा हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक। अच्छा अगर मान लो 45 डिग्री होगा ना, कभी कभी जैसे ये होता है कि मान लो ये ईस्ट है, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ हो गया, और ये क्या हो गया वेस्ट, अब बीचों बीच है 45 डिग्री, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर क्या कह सकता है 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या इन अदर वर्ड्स इसको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है अदर वर्ड्स में, ठीक, क्योंकि बीचों बीच जब भी रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा बताओ साउथ ईस्ट, ये क्या होगा साउथ वेस्ट, अरे बोलो ये क्या होगा ये, हाँ नॉर्थ या हाँ नॉर्थ वेस्ट, बोल नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, बोल क्लियर है। रेलवे स्टेशन वगैरह में रेलवे ये सब लैंग्वेज में ये ना होती, रेलवे लाइन इधर से इधर जा रही है तो क्या लिखते हैं साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यूज करते हैं ना,
तो ये डायरेक्शन के लिए हो गया। तो क्या डायरेक्शन तुमको लिखने आ गया? और बेसिकली मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड को कभी कभी हम लोग रिप्रेजेंट करना है तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे नहीं। तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो वी विल यूज लाइक दिस। इसका मतलब उस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो 100 मीटर होगा। ये क्या अंडरस्टूड हो जाएगा कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो कितना होगा? 100 मीटर। बोल के देखा, जब भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो वी विल यूज क्या? आजकल हम लोग शॉर्ट में तो सब कुछ यूज करते हैं यार, सब कुछ लिखना चाहते हैं शॉर्ट में। नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा, नहीं किसी को थैंक यू लिखना है तो TQ कर दिया। नहीं, अभी तो पूरा वही सब का जमाना है ना, व्हाट्सएप का जमाना है, सेल्फी का जमाना है। नहीं तो किसी को थैंक यू बोलना है तो TQ लिख दिया, ऑल राइट करना है तो ओके कर दिया। आजकल तो ओके भी नहीं चलता, के चलता है। के मतलब समझ जाओ, नहीं ओके है, ऑल राइट है, सब चीज का शॉर्ट आ गया। मम्मी का मॉम, पापा का पाप है, पापा का क्या चल रहा है? अच्छा, बहुत कुछ चला दिया भाई लोग, सेल्फी का जमाना है और व्हाट्सएप का जमाना, एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो यहां पर भी शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? तो किसी का मैग्नीट्यूड शो करना होगा तो 100 मीटर ऐसे मॉड ऑफ एस, तो मॉड मतलब क्या? मॉडुलस, मॉड ऑफ एनी वेक्टर विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड शो करना हो तो मॉडुलस से, मॉड कहो या ये भी शॉर्ट बोल दिए, एक्चुअली ये मॉडुलस कहलाता है, ठीक है? मॉडुलस कहो या मॉड कहो, बात बराबर। तो मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर विल रिप्रेजेंट क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड शो करना हो तो ऐसे करेंगे। तो ये वाला मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? तो मैग्नीट्यूड भी दिखाएंगे, डायरेक्शन भी दिखाएंगे, तभी वो वेक्टर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा। कंप्लीट कैसे रिप्रेजेंट होगा? वी हैव टू शो मैग्नीट्यूड ऑल्सो, वी हैव टू शो डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड बस जितना भी है तो हम ऐसे लिख देंगे, और डायरेक्शन कैसे होता है, क्या ये लिखने आया? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है वेक्टर का, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हम खाली डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे करेंगे। अगर वो बेचारा पति मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, कैसा लगाया था? 100 न्यूटन का। तो ये VIP का जो बैग था, अगर दूर से देखा जाए तो VIP तो एकदम एक पॉइंट जैसा दिखेगा, बट VIP का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? है। तो मान लो ये बेचारा पति जो फोर्स लगाया ऐसे करके, तो ये मान लो F का वैल्यू कितना लगा है? 100 न्यूटन। और चलो इसके साथ 30 डिग्री का फोर्स लगाया या 30 डिग्री के एंगल पे लगाया, तो हम अब लिखे हैं क्या? तो हम लोग देखो लेंथ के लिए उतना ही यूज करेंगे, तो 100 मीटर के लिए कितना यूज कर रहे हैं? एक बीता चार उंगली। तो यहां पर भी मोटा मोटे वही होगा, एक बीता चार उंगली, उतना ही मैग्नीट्यूड के लिए उतना ही यूज करेंगे। तो बोलेंगे क्या? F वेक्टर बराबर क्या? 100 न्यूटन, और ब्रैकेट में लिख देंगे 30 डिग्री। मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो बोल क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बेचारा पति, और कितना एंगल पे लगा रहा है? अच्छा, स्पेशली फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कहना होगा तो क्या कहेगा? ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो F के जगह S वेक्टर लिखेंगे, फोर्स लिखना होगा तो F वेक्टर लिखेंगे। बोल क्लियर है? अगर वेलोसिटी मान लो एक बर्ड जो है उड़ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ए बर्ड इज फ्लाइंग विथ ए रफ्तार कितना? 100 किलोमीटर पर आवर, और कुछ एंगल बना के, ठीक है? तो ये मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, और मान लो ये 37 डिग्री बनाया, ये ईस्ट है, इधर क्या है? नॉर्थ है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर, और क्या लिखा जाएगा? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो क्या ये समझ में आया? और ये वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे बोलो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है,
नेगेटिव नहीं होता है, लिखो कॉपी के ऊपर लिख लो, ये बार बार काम आएगा। किसी भी वेक्टर का कॉपी के ऊपर लिख लो, ये बार बार काम आएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इज ए पॉजिटिव स्केलर, इज ए पॉजिटिव, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इज पॉजिटिव स्केलर दैट मस्ट बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ ए प्रॉपर यूनिट। दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए क्या लिखा, प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट के साथ इसको एक्सप्रेस करना चाहिए। दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए क्या, प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। समझ में आया? तो इसका प्रॉपर यूनिट क्या है, हो सकता है एसआई यूनिट हो या सीजीएस हो, बट हमेशा प्रॉपर यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। तो 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड हो गया। अच्छा, वेक्टर का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, वो स्पीड कहलाता है। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड हमेशा क्या होता है, स्पीड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बोल क्लियर है? तो ये समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इतना, इसी को आगे जाके हम बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया डायरेक्शन पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया क्या, मैग्नीट्यूड पार्ट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करने के लिए चमका है, क्या क्या हुआ, अरे बोलो। तो किसी भी वेक्टर को फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर सबको उसी ढंग से करेंगे। खाली हम लोग क्या होगा, ओनली फिजिकल क्वांटिटी विल बी चेंज, एस वेक्टर खाली आ जाएगा, कभी एस वेक्टर आ जाएगा, कभी डी वेक्टर आ जाएगा, कभी टाउ वेक्टर आ जाएगा, यही खाली होगा, बाकी सबका मतलब ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि फोर्स के लिए अलग डिस्प्ले, तो आदमी पगला ही जाएगा, क्योंकि आदमी शॉर्ट चाहता है ना, आदमी कम से कम चीज में सब कुछ चाहता है, यही ना रिक्वायरमेंट है। दुनिया भर का हम लंग फंड यूज कर देंगे, सब पब्लिक ऐसे ही, इंडिया का आधा दिन कंफ्यूज है, और कंफ्यूज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जितना सिंप्लिसिटी होगा उतना बढ़िया होगा, तो सबके लिए एक जैसा यूज करेंगे। तब हम लोग एबीसीडी के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग देखो, ये कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी का, पर्टिकुलर फोर्स, कभी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं करेंगे, सबके लिए क्या पढ़ेंगे, ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर, और एबीसीडी क्या है, ये उसी का लिस्ट है, जो वैक्टर्स में बहुत सारा जो एग्जाम्पल्स है ना, उसी का ये कोई ना कोई होगा, ठीक? तो अब हम लोग यही सब पढ़ेंगे, क्लियर? तो वेक्टर का मतलब समझ में आ गया, उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, और लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या बताता है, उसका साइज, उसका मैग्नीट्यूड, बोल क्लियर है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेक्टर, लिखना तो लिख लो, टॉपिक लिखो, टर्मिनोलॉजी ऑफ, मतलब इसमें बहुत सारा टर्म आएगा, वो टर्म तुमको इसका मतलब जानना है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट ये सबका मतलब जानना कि क्या क्या है, बोल क्लियर है? ठीक, जैसे पहले आ जाओ, मान लो पैरेलल वेक्टर, नाम ही कह रहा है पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो देखो, अगर जैसे एक चीज बताओ कि हम दो वेक्टर बनाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, अगर पूछा जाए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बताओ, हाँ ए का मैग्नीट्यूड किसके रेस्पेक्ट में, कैसे पता चला, हाँ क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना का जरूरी पड़ेगा, तो कैन वी राइट ऐसे कि मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, अरे बोलो, इससे क्या पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो कैन वी राइट ऐसे, या मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए, तो बेसिकली लेंथ क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। खैर ये तो लेंथ की बात है, अब हम पैरेलल वेक्टर क्या कहें, हाँ तो क्या बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब चूंकि ये पैरेलल, नाम ही कह रहा है पैरेलल, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल, जो डायरेक्शन ये इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन ये इंडिकेट करेगा। अगर ये ईस्ट के तरफ करेगा तो ये भी ईस्ट के तरफ करेगा, ये नॉर्थ के तरफ करेगा तो ये भी नॉर्थ करेगा, नहीं ये साउथ करेगा तो ये
जो ए वेक्टर जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। मान लो ए डायरेक्शन देखो ऐसे इंडिकेट कर रहा है, सामने वाला अपार्टमेंट का तीसरा बिल्डिंग का खिड़की में, नहीं सामने वाला अपार्टमेंट है उसका तीसरा वाला बिल्डिंग का जो खिड़की है ना उधर कोई लड़का इंडिकेट कर रहा है, तो दूसरा लड़का जो है वो भी बोल रहा है उधर ही, समझ आ रहा है? तो तीसरा बिल्डिंग का क्या बोले, तीसरा तल्ला का हाँ अपार्टमेंट का तीसरा वाला जो फ्लोर है जो डायरेक्शन वो इंडिकेट कर रहा है वही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड फ्लोर का तो ये भी थर्ड फ्लोर का, ये फोर्थ फ्लोर का, ये भी फोर्थ फ्लोर का, तो ऐसे में क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। और लिखेंगे कैसे? तो हमको लिखना पड़ेगा ए वेक्टर पैरेलल टू क्या, कोई दिक्कत? ये ऐसे लिखा जाता है सिंबॉलिक, ये भी शॉर्ट में लिख दिए हम, पैरेलल ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे कि टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी क्या, पैरेलल इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन, इफ दे इंडिकेट, टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी पैरेलल इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या है? एंटी पैरेलल। एक वेक्टर अगर ये है तो दूसरा ऐसे होना चाहिए, ठीक, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या अपोजिट, ठीक है। अगर मान लो ये नॉर्थ एंटी पैरेलल लिखे हैं क्या, अच्छा वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया कुछ पता चल रहा है क्या? इट गिव्स आइडिया, किसका आइडिया, मतलब क्या आइडिया पता चल रहा है? हाँ अगर लिखना पड़े, अगर कोई, हालांकि लेंथ कुछ भी हो लेंथ से लेना देना नहीं है, बट अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। ए का जो लेंथ है वो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। अच्छा अगर ये देखो, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये मान लो ईस्ट ले लेते हैं, ये वेस्ट ले लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा देखो ऐसे, इसी के रेस्पेक्ट में क्या, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया। अगर ये नॉर्थ ईस्ट शो करता है तो ये किधर शो करेगा, हाँ ये साउथ वेस्ट शो करेगा, तब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंटी पैरेलल। अगर ये ईस्ट शो करता है तो ये वेस्ट करना चाहिए, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ शो करता है तो ये, तो ऐसे को कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम ही कह रहा है एंटी पैरेलल, एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए। तो एंटी पैरेलल समझ में आ गया, पैरेलल समझ में आ गया। अब इक्वल वेक्टर, क्या नाम है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर देखो क्या होता है, इक्वलिटी, इक्वल होना चाहिए, हर चीज में इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर और ले लेते हैं, क्या है, बी है, तो लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू क्या, बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू। और इक्वल वेक्टर का देखो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड भैया सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दूसरा हाँ डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। तीसरा शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, हाँ शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड रिप्रेजेंट, शुड रिप्रेजेंट क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। ऐसे तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी पढ़ा होगा कि ये इक्वलिटी तभी अलाउड है जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो ए का होना चाहिए वही डायमेंशन बी का होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़े थे कि जो ए का डायमेंशन होगा वही बी का, जो ए का यूनिट होना चाहिए वही बी का यूनिट, तभी तो अलाउड है जोड़ना घटाना बराबर करना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी ये डील कर सकते हैं, या ए एंड बी शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फोर्स बताता हो तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये वेलोसिटी बताता हो तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये अगर एक्सेलरेशन बताता हो तो ये भी, क्योंकि जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें कि हम लोग क्या लिखें, एस वेक्टर बराबर 100 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या यूज किए, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे किए ना। अगर फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर की जगह 100 न्यूटन हो जाएगा, और डायरेक्शन तो बिल्कुल वही हो गया ना। वेलोसिटी के लिए क्या होगा,
100 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तो सबका एक ही है और मैग्नीट्यूड भी सबका एक है, 100-100 यूनिट है, ये भी 100 यूनिट, ये भी 100 यूनिट, ये भी 100 यूनिट। आर दे इक्वल वेक्टर? नो, दोनों इक्वल। क्या क्यों नहीं इक्वल है? क्या सबका मैग्नीट्यूड सेम है? यस। क्या सबका डायरेक्शन सेम है? यस, बट दे आर नॉट इक्वल। व्हाई? बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, और ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, तब कहलाएगा क्या? इक्वल वेक्टर। याद हुआ? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल वेक्टर? पहला बोलो, पहला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तीसरा हाँ शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। बोल चमका है? पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया, एंटी पैरेलल इक्वल वेक्टर। अब आ जाए नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर नाम ही कह रहा है। देखो एक वेक्टर ऐसे तो दूसरा वेक्टर ऐसे, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे? क्या हम लोग लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? पहला मॉड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड भैया सेम होना चाहिए, दूसरा हाँ ए शुड बी एंटी पैरेलल टू बी, और तीसरा हाँ शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट। तभी क्योंकि इक्वल तभी अलाउड है, जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़े हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है वही इसका होना चाहिए, तभी वो इक्वल हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाओ जो भी है तभी लिख पाएगा जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। बोल क्लियर है? तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव वेक्टर? पहला बोलो, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, और क्या? व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर? सिमिलरिटी क्या है? हाँ बोथ आर पैरेलल, बोथ आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर? हाँ इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो। बोल क्लियर है? व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन नेगेटिव वेक्टर एंड एंटी पैरेलल? सिमिलरिटी हाँ बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट आर द डिफरेंस? इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं कि सेम हो। बोल क्लियर है? चारों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या क्या है? अब आ जाओ पांचवा, को इनिशियल वेक्टर। क्या है? नाम ही कह रहा है, को मतलब क्या होता है? सेम, और इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो को इनिशियल कहलाएगा। जैसे कि मान लो एक वेक्टर हम बना दिए ऐसे और एक वेक्टर ऐसे बना दिए, क्या लेंथ के बारे में आइडिया पता चलेगा? किसका लेंथ ज्यादा होगा अगर पूछा जाए? किसका होगा? किसके रेस्पेक्ट में? तो बेसिकली लेंथ ऑफ द एरो विल गिव हट, हाँ इट विल रिप्रेजेंट या इट विल गिव आइडिया, ओनली आइडिया देगा। क्या देगा? ये आइडिया देगा, ये बताएगा नहीं कि इतना होता है, प्रोपोर्शनल से बता देगा। डबल लेंथ बोलेंगे तो डबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ट्रिपल लेंथ तो ट्रिपल मैग्नीट्यूड, बट इट विल ओनली ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर लिए तो इट विल गिव व्हाट? आइडिया, आइडिया सिर्फ बताएगा। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात बोली जाए तो मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट? अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो, बट दोनों का ये वाला क्या है? सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए क्या कहलाएगा? को इनिशियल। नहीं आया? को इनिशियल का मतलब क्या? सेम स्टार्टिंग पॉइंट। को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर, नाम ही कह रहा है टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग बोले तो क्या? एंडिंग, दो वेक्टर का एंडिंग पॉइंट सेम होगा। ये दोनों का टेल कौन साइड हो गया, उसमें दोनों का हेड कौन साइड होगा? ऐसे वेक्टर ए वेक्टर बी और ये एंगल क्या? थीटा। बिल्कुल क्लियर है? तो दो वेक्टर को कोटर्मिनस कब कहेंगे? जब दोनों का देखो सेम एंडिंग पॉइंट, अगर सेम एंडिंग पॉइंट होगा तो ये क्या कहलाएगा? कोटर्मिनस। बिल्कुल क्लियर है? को इनिशियल क्लियर? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा भैया इस केस में? मॉड ऑफ ए विल बी व्हाट? ग्रेटर देन, कोई दिक्कत वाली बात?
बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, बट क्या सेम है? एंडिंग पॉइंट. क्या सेम है? एंडिंग पॉइंट. सातवां, कोलिनियर. कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ठीक, नाम ही कह रहा है, लिनियर मतलब सिंगल लाइन. लिनियर का मतलब क्या? सिंगल लाइन. तो अगर बहुत सारा वेक्टर सिंगल लाइन में होगा, लेट अस कंसीडर दिस एज ए व्हाट? सिंगल लाइन. इसको सिंगल लाइन लेते हैं. ठीक, अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे बना दिए, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ए बी सी डी एफ जी. हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव मेड? एक दो तीन चार पांच छह. कौन कौन सा सिंगल लाइन में है? हाँ, डी है, एफ है, जी है. आर व्हाट? इन द सिंगल लाइन. ये सिंगल लाइन में है, इसीलिए दे आर व्हाट? कोलिनियर वेक्टर. ठीक, ये सिंगल लाइन में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिंगल लाइन में जो होगा या तो पैरेलल होगा और नहीं तो एंटी पैरेलल होगा. ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर सिंगल लाइन में होगा तो क्या होगा? या तो पैरेलल होगा, नहीं तो एंटी पैरेलल होगा. ये कोलिनियर वेक्टर का यूज कहां पड़ेगा? तो टॉर्क के ऊपर पड़ेगा. ठीक है, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे ना, टॉर्क का मतलब कोई भी चीज में अगर घूमने का इफेक्ट हो तो उसको टॉर्क से रिलेट कर सकते हैं. तो कोई मान लो ऐसे करके ना, कोई एक लाठी ऐसे ले लो या कोई रॉड ले लो, रॉड में एक ही जगह पर एंटी पैरेलल में ऐसे फोर्स लगाओ तो क्या ये घूमेगा? कोलिनियर फोर्स अगर एक्ट करेगा, यहाँ कोलिनियर वेक्टर की जगह फोर्स यूज कर रहे हैं, तो कोलिनियर फोर्स अगर एक ही जगह पर लगेगा तो क्या ये इसे घूम जाएगा? जितना भी हाथी का ताकत लगा दो, टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं. लेकिन अगर कोलिनियर से नॉन कोलिनियर कर दो तो फट से घूम जाएगा. नहीं, एक यहां लगा दो, यहां लगा, घूमेगा कि नहीं? तो कोलिनियर वेक्टर्स या कोलिनियर फोर्स कैन नेवर रोटेट द बॉडी. नॉन कोलिनियर फोर्सेस कैन रोटेट द बॉडी. तो इसका जरूरी कहां पड़ेगा? टॉर्क में. आगे जाके पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर में पढ़ना है. बट समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर क्या है. उसके बाद एट, कोप्लेनर. नाम ही कह रहा है, को मतलब क्या? सेम. और प्लेन मतलब सिंगल प्लेन में होना चाहिए, नहीं एक ही प्लेन में होना चाहिए. तो मान लो सपोज दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या हो गया? देखो तो कितना हम प्लेन बनाए हैं, दो. ये वाला कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है. ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है. ये कौन सा प्लेन है? हाँ, वेरी गुड, एक्स जेड प्लेन है. हम लोग कितना टोटल प्लेन बनाए? दो प्लेन बनाए. अगर इसी प्लेन में दो वैक्टर होगा, ऐसे या जो भी ले लो, इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये क्या कहलाएगा? इफ दे एग्जिस्ट इन द सिंगल प्लेन. तो ये कौन सा प्लेन है? तो कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इन व्हाट? हाँ, एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन में है. ठीक, उसी तरह से ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, मान लो ये डी ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं, और ये किस प्लेन में है? तो डी और एफ इन व्हाट? एक्सजेड प्लेन. एक्सजेड प्लेन में होना चाहिए. बोल क्लियर है? तो कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया कि टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी व्हाट? कोप्लेनर इफ दे एग्जिस्ट इन द सिंगल प्लेन. सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए. तो दिस प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन है क्या? तो ये ए और बी एक्स वाई प्लेन का वेक्टर है, और ये क्या है? डी और एफ एक्सजेड प्लेन का वेक्टर. बोल, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? ये कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया. अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? तो आगे जाके हम लोग एक जीरो वेक्टर पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या आंसर है? जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है. ठीक, जीरो वेक्टर को क्या कहते हैं? आगे जाके पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर होगा. पहले खाली ये नाम देख लो कि जैसे मान लो एक कोई आदमी है, या कोई मान लो इंसेक्ट ले लेते हैं, या कोई बी मधुमक्खी ले लेते हैं, वो ऐसे गई, ऐसे करके वापस उसी जगह पर पहुंच गई, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो. तो मैग्नीट्यूड बोले तो जीरो, बट हर पॉइंट पे अलग अलग इसका डायरेक्शन है ना. एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? तो इन, तो इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो.
और डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेटरी कह सकते हैं, आर्बिट्रेटरी या फिर इसको इनडिटर्मिनेंट कहा जाता है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो भैया अलग अलग होगा। अगर इस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट इधर जाएगा, यहां टैंजेंट इधर, इसका इधर, 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 डायरेक्शन इज देयर, एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन इज देयर, बट नेट मैग्नीट्यूड कितना, तो नेट मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, बट डायरेक्शन आर्बिट्री है, ठीक है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। अब तो हम लोग बहुत सारा वेक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो एक बार क्या है कि फिर से बोलो क्या क्या है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सब कोई बोलेगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इफ दे इंडिकेट, इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल वेक्टर, इफ दे इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे इंडिकेट तो क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर, क्या होगा एंटी पैरेलल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा एंटी पैरेलल। इक्वल वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। बोल के लिए चौथा क्या है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, शुड रिप्रेजेंट, अच्छा को इनिशियल वैक्टर, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को टर्मिनस, सेम एंडिंग पॉइंट, को लिनियर, शुड एग्जिस्ट इन द सिंगल लाइन, शुड एग्जिस्ट इन द को प्लेनर वैक्टर, हाँ एक ही प्लेन में होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में, जीरो वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन हो। तो इसको हम लोग मान लो कोई भी वेक्टर, इसे हम ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, इसका ये हम जीरो वेक्टर भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जीरो वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन होगा, ठीक। अब हम लोग देखो और थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। तो मान लो ये हम बहुत सारा वेक्टर्स बना दिए, मान लो ऐसे करके बहुत सारे बना दिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका नाम दे दिए ए बी सी और ये क्या दे दिए डी, ठीक। और ये मान लो एक ठो कितना लाइंस बना है बता, तो हाउ मेनी लाइंस वी हैव मेड, चार बना है, चार लाइन पे कितना वेक्टर बनेगा, इसे आठ बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, बट अभी हम लोग चार ही वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ए बी ऐसे। अब देखो यहां पर कौन कौन सा है, अगर बोला जाए कि पैरेलल वेक्टर कौन कौन सा है बताओ, पैरेलल वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू, हाँ एडी वेक्टर, एडी वेक्टर इज पैरेलल टू, ऐसे लिख सकते हैं पहली बार, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अच्छा एंटी पैरेलल वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू व्हाट, ऐसे इक्वल वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी ए डी, हाँ ए डी इक्वल टू बी सी, क्या ये इक्वल वेक्टर है, कैसे पता चला, हाँ सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन भी है, बोल क्लियर है। अच्छा नेगेटिव वेक्टर बोला जाए, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर है, ए बी ए टू बी उधर है राइट है और सी से डी क्या है लेफ्ट है, तो इसको क्या बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तुम लोग ऐसा भी लिख सकता है कि ए बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते, देखो ए बी का लेंथ और बी ए का लेंथ क्या सेम है, कैन वी राइट ए बी का लेंथ इक्वल टू बी ए का लेंथ, यस, बट क्या दोनों का एरो, एक वेक्टर देखो ए से बी हो गया, ए बी, और एक वेक्टर क्या हो गया बी टू ए हो गया, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या माना जाएगा, एंटी पैरेलल, क्या माना जाएगा, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भैया सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, क्या है डायरेक्शन, तो क्या बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में भी रिलेट कर सकते हैं और अपने ही के रेस्पेक्ट, मतलब हर वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव हो सकता है। कैन वी राइट सी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी सी वेक्टर, अरे बोलो सी डी वेक्टर इक्वल टू
माइनस ऑफ डीसी वेक्टर लिख सकता है, एडी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डीए वेक्टर, बीसी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सीबी वेक्टर। बोल क्लियर है? हर वेक्टर को पलट देंगे तो मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। कहां दिखा? कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर बताओ। को इनिशियल कौन कौन है? को इनिशियल, को इनिशियल बोला जाए तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो किसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? ओबी का और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये क्या कहलाएगा? को इनिशियल। क्या कहलाएगा? अच्छा, उसके बाद वो को टर्मिनस बोला जाए, को टर्मिनस। हाँ, को टर्मिनस क्या बोला जाए? एडी और क्या? सीडी। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या, एंडिंग पॉइंट डी है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एडी का और एबी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, को इनिशियल है कहां पर? ए पे। और इसमें को टर्मिनस कहां पे है? तो को इनिशियल एट कहां? एट ए। और ये को टर्मिनस एट क्या? बोल क्लियर है? एट डी। कहां दिक्कत? कौन कौन सा वेक्टर्स है को प्लेनर? सारा वेक्टर्स आपस में क्या है? को प्लेनर। तो अगर हम कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल इसमें वेक्टर्स बनाए तो सब को प्लेनर होगा, सब सिंगल प्लेन में होगा, तो ये को प्लेनर वेक्टर कहलाएगा। बोला जाएगा कौन कौन सा कोलिनियर है? कोई कोलिनियर, कोई कोलिनियर नहीं है, क्योंकि सब सिंगल लाइन में होना चाहिए। क्या आर दे इन द सिंगल लाइन? दे आर नॉट इन द, इसलिए ये कोलिनियर वेक्टर नन ऑफ देम है। नन ऑफ देम इज व्हाट? तो हम लोग लिखेंगे नन ऑफ देम, नन ऑफ देम इज व्हाट? आर क्या बोला जाएगा? कोलिनियर, बट ऑल ऑफ देम आर, हाँ ऑल ऑफ देम आर व्हाट? को प्लेनर। कहां दिक्कत? समझ में आ गया? सारा डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब हम उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, बट पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया, एंटी पैरेलल समझ में आ गया। आठवां, आठवां और एक नौवां, नाम ही कह रहा है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड वन। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड वन होगा तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को फील हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि एक लंबा सा वेक्टर लिए ऐसे, वेक्टर ए, और इसका लेंथ मान लो 5 मीटर है। कितना लेंथ है? 5 मीटर है। सपोज दैट ए वेक्टर है, कोई भी हो सकता है, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो हम चूंकि यूनिट क्या बैठा दिए, मीटर, तो जरूरी है क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सभी वेक्टर का यूनिट अलग अलग होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सबका यूनिट अलग अलग है। तो मान लो हम कोई वेक्टर लिए जिसका 5 मीटर लेंथ है, मान लो, या 5 यूनिट जो भी है। अब कैन वी से दैट कि ये 5 मीटर है तो एक एक मीटर का ये 5 गो होगा? तो एक, थोड़ा और बड़ा बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, सबका ये एक एक यूनिट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, एक कैप से। किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैप यूज करते हैं, ए कैप, फिर ए कैप, फिर ए कैप, ऐसे ऐसे करके। हाउ मेनी ए कैप विल बी देयर? 5 ए कैप आर देयर। कितना ए कैप? तो कैन वी से दैट कि ए वेक्टर का जो ये है, ए वेक्टर, वो ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप, क्या 5 गो का बना हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। अरे बोलो, 5 यूनिट वेक्टर जुटेगा तो कंप्लीट ए वेक्टर बनेगा जिसका लेंथ 5 मीटर होगा। क्लियर? अच्छा, ए वेक्टर इक्वल टू, कैन वी राइट 5 टाइम्स ऑफ ए कैप? 5 गो 5 लिख दिए। अच्छा, ए वेक्टर इक्वल टू 5 को क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी से दैट कि 5 मीटर भैया क्या है? तो 5 मीटर ए वेक्टर का लेंथ हुआ या मैग्नीट्यूड हुआ? मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, लेंथ बोले तो साइज, ऑल आर क्या? पर्यायवाची शब्द। सारा क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो क्या लिखेंगे? तो ए का जो है, तो 5 के बारे में कुछ क्या लिखा जाए? व्हाट इज 5 मीटर? मॉड ऑफ ए। तो कैन वी राइट ऐसे? अरे बोलो, जस्ट इसी की जगह पर हम ये लिख दिए,
इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू इसका लेंथ भैया ए वेक्टर है और ए कैप उसका यूनिट वेक्टर है, या ए कैप इक्वल टू ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई क्या मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये ए वेक्टर इसी का मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ ए क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन होता है यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी देखो क्या क्या यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टीज, पहला मैग्नीट्यूड वन हो गया, डेफिनेशन क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, और इसका पर्पस क्या है, हाँ इसका मेन पर्पस है हाँ टू शो द डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन शो करना हो तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू शो द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा और इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना होगा वन होगा, डिफाइन हम ऐसे करेंगे। और इसका मेन पर्पस है टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करना हो तो। चौथा बताओ तो ऐसा यूनिट क्या होगा, नो ऐसा यूनिट, क्यों, क्योंकि जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो इसका होगा, दोनों का ऐसा यूनिट कट जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या नो एसआई यूनिट। अच्छा नो डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर का डायमेंशन और नीचे का, ऊपर का जो डायमेंशन होगा वही नीचे का होगा, दोनों कट जाएगा तो ये सब हो गया, ठीक। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको कैप से, ये ए कैप कहा जाता है, ये जो लिखते हैं ना इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक। और ए कैप बराबर हमेशा हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, ठीक। हमेशा ए कैप का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, देखो ए कैप का हमेशा मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होगा वन, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा, सॉरी किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, तो लिखेंगे कैसे ए कैप का मॉड कर देंगे, इसका मतलब भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। उसी तरह बी कैप का मॉड क्या लिखेंगे बोल तो वन, ठीक। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, तो बी कैप इक्वल टू व्हाट वेक्टर डिवाइडेड बाय, अरे बोलो उसी तरह ए कैप बी कैप सी कैप, सी कैप क्या होगा बताओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। अच्छा सी कैप का मॉड कितना, किसी भी वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो क्या होगा, तो किसी भी वेक्टर ए बी सी डी कैन रिप्रेजेंट कुछ भी, जो भी हम वेक्टर का एग्जांपल पढ़े फोर्स टॉर्क मोमेंटम कुछ भी हो जाएगा। पॉपुलर में देखो क्या है कि हम लोग डायरेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो सपोज दैट कि ये तुम्हारा ऐसे, इसको एक्स एक्सिस ले लिए वाई एक्सिस ले लिए और ये क्या ले लिए जेड ले लिए। अगर एक्स के तरफ डायरेक्शन शो करना होगा, अगर एक्स के तरफ का डायरेक्शन शो करना होगा तो हम लोग आई कैप यूज करते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शो क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा विद्वानों ने बोला कि आई कैप हमेशा पॉजिटिव ऑफ एक्स के लिए यूज किया जाएगा और माइनस आई कैप, हाँ माइनस ऑफ आई कैप नेगेटिव ऑफ एक्स। ऊपर के लिए यूज करना है तो जे कैप हो जाएगा, नीचे के लिए यूज करना है पॉजिटिव ऑफ वाई प्लस जे कैप नेगेटिव ऑफ वाई माइनस जे कैप, पॉजिटिव ऑफ जेड प्लस के कैप और इसके उल्टा माइनस के कैप। ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करने का काम में आता है, ठीक। हमेशा पॉजिटिव ऑफ एक्स के लिए आई कैप माइनस आई कैप, प्लस जे कैप प्लस वाई के लिए माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, प्लस जेड के लिए प्लस के कैप, नेगेटिव ऑफ जेड के लिए क्या माइनस के कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन यानी, ठीक। अब देखो हम लोग क्या है, कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि मान लो हम लोग ऐसा कहेंगे कि देखो हम लोग क्या किए, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, बोल क्लियर है। देखो हम लोग कोई भी शॉर्ट में यूज करने के लिए ऐसा होता है, अच्छा ये बोला जाएगा कि बताओ आई कैप का मॉड कितना होगा वन, माइनस आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड माइनस जे कैप का मॉड के कैप का मॉड माइनस के कैप का मॉड,
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भैया क्या होता है, और इसका पर्पस है टू शो द डायरेक्शन। अब देखो कैसे ये डायरेक्शन शो करने का काम में आता है। सपोज दैट कि मान लो एक बालक है, ठीक है, एक बालक है जो पॉजिटिव ऑफ एक्स की तरफ दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना दौड़ रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है लड़का। और किधर दौड़ रहा है भाई? पॉजिटिव ऑफ। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? अगर लिखना होगा तो पता है कैसे लिखेगा? ए बॉय इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ कितना? 10 किलोमीटर पर आवर इन द पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। इतना लंबा लिखना होगा। ए बॉय इज रनिंग विथ ए क्या? स्पीड ऑफ व्हाट? 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव ऑफ एक्स। क्लियर? अरे बोलो। बट इतना लिखते जाते हैं क्या? शॉर्टकट का जमाना है और सेल्फी का जमाना नहीं। अभी तो व्हाट्सएप सेल्फी में क्या करते हैं हम? फटाफट थैंक यू को TQ, पापा को पाप, तो ऐसे ही करके लिखते हैं। अरे बोलो। कोई कैसे वाली बात? तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे। हम लोग देखो ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज मैग्नीट्यूड पार्ट भैया हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, और किधर दौड़ रहा है? हाँ, पॉजिटिव ऑफ एक्स की तरफ दौड़ रहा है। तो क्या लगा देगा? नहीं आया, थोड़ा थोड़ा फील आया। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन। 10 किलोमीटर पर आवर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और आई कैप क्या हो गया उसका? अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉय का मैग्नीट्यूड पार्ट अगर लिखना होगा तो बोल क्या लिखेगा? हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है। वो हमेशा क्या होता है? स्केलर। वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड दैट मस्ट बी एक्सप्रेस विद ए प्रॉपर यूनिट। हमेशा उसको प्रॉपर यूनिट के साथ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, और डायरेक्शन के साथ लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब यहां से भी देखो, अगर आई कैप लिखना होगा तो कैन वी से दैट कि आई कैप इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉय वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या? ऑन मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल वही आ गया ना, देखो तो वही आ गया। आई कैप बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना। ये क्या है? ये वाला। ठीक, तो हम लोग एज ए होल क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू यहां किसी भी वेक्टर का, बॉय का वेलोसिटी का ऐसे डाल देंगे, और साथ में क्या लगा देंगे? तो ये डायरेक्शन बता देगा और ये मैग्नीट्यूड बता देगा। बोल क्लियर है? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर, समझ में आ गया? अरे बोलो। कोई दिक्कत वाली बात? मान लो सपोज दैट कि एक लड़की जो है वो दौड़ रही है ऐसे 200 किलोमीटर पर आवर से। कितना दौड़ रही है? देह में आग लगा हुआ है, नहीं है? चमत्कारी लड़की 200 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है। क्या ये किसी से टकराएगी तो उसके जीवन में बदलाव लाएगी? बहुत बड़ा बदलाव, अपने भी जाएगी और दूसरे को भी ले जाएगी। ठीक, खैर जो भी है, तो ये रफ्तार है 200 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो बोल क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गर्ल। वेलोसिटी ऑफ रफ्तार इज कितना? 200 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन लगा देंगे माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्या होगा? हाँ, नेगेटिव ऑफ एक्स की तरफ दौड़ रही है। यू कैन राइट ऐसे भी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कि हम लोग ये माइनस पहले लिख लेंगे तो माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, और ये हमको आई कैप, ये माइनस यहां लिख दिए। तो ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, और माइनस आई कैप क्या हो गया? डायरेक्शन पार्ट। अब इसको माइनस का ये मतलब मत समझना कि इसका वैल्यू जीरो से कम है, नहीं, ये प्लस है तो जीरो से ज्यादा हो गया, और ये माइनस है तो जीरो से कम है। माइनस नेगेटिव है, किसी से टकराएगा तो खत्म कहानी हो जाएगा। जीरो से कम है? जीरो से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन उल्टा है, जो डायरेक्शन होना चाहिए उसका उल्टा है। नेगेटिव वेक्टर डज नॉट मीन्स जीरो से कम। मैग्नीट्यूड भैया अभी भी वही है,
रफ्तार वही भी है, अभी भी वही है, 200 किलोमीटर बराबर है, और माइनस आई कैप उसका डायरेक्शन हो गया। तो पॉजिटिव ऑफ एक्स के लिए हमेशा आई कैप, नेगेटिव ऑफ एक्स के लिए हमेशा। अब इसे झगड़ा करने वाली बात नहीं है सर, हम तो वाई के लिए आई कैप यूज करेंगे, देखते हैं क्या कौन कर लेगा, ऐसे करेंगे क्या? ये विद्वानों ने रेफरेंस दे दिया है, बोल दिया कि यह हमेशा इसके लिए यही होगा, इसमें चेंज डालने की जरूरी नहीं है। तो सबके लिए जो सेम होता है वही ना डेफिनेशन कहलाता है। डेफिनेशन का मतलब क्या, जो सबके लिए सेम हो, उसका मतलब सेम हो, अंडरस्टैंडिंग सबका सेम हो, ठीक है। तो प्लस आई कैप माइनस आई कैप का मतलब समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, अगर मान लो सपोज दैट कि मान लो सपोज रेन ऐसे रेन फॉल कर रहा है, ऐसे रेन का जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना होगा तो बोलो क्या लिखेंगे? तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डाउनवर्ड गिर रहा है ना, तो डाउनवर्ड बोले तो प्लस वाई का कि माइनस वाई, प्लस वाई की माइनस वाई, तो माइनस वाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, माइनस जे कैप लिख देंगे। अब ये माइनस का मतलब जीरो से कम, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, होलगिलर है। तो कैसे कैसे यूज कर रहे समझ में आया, कैसे कैसे है, उसका मैग्नीट्यूड लिख के और उसके साथ हम क्या अटैच कर देंगे आईजे के। तो यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या है, टू शो द, तो ये याद हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, डायरेक्शन में डेफिनेशन में क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय, पर्पस में क्या है, टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही गिवन वेक्टर का होगा, जो गिवन वेक्टर का होगा वही, क्योंकि आई कैप जे कैप किस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, जो पर्टिकुलर वेक्टर हम ले रहे हैं उसी का तो वो डायरेक्शन बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और जो मेन वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों सेम होता है, बिकॉज दे इंडिकेट क्या, उसी का डायरेक्शन, बल्कि ले रहे हैं? अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीजीएस कुछ भी नहीं होगा, तो एक्स की तरफ होगा तो प्लस आई कैप, नेगेटिव ऑफ एक्स होगा माइनस आई कैप, प्लस वाई होगा प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई होगा माइनस जे कैप। जी का वैल्यू दिखाना, जी का वैल्यू क्या होता है बताओ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट जी, तो जी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो अगर हमको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो वी विल राइट जी वेक्टर, जी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा भैया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड के लिए क्या लेगा, हाँ डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप, डाउनवर्ड के लिए माइनस जे कैप, तो बस यहाँ पर माइनस जे कैप हो गया। तो माइनस जे कैप का मतलब इसका वैल्यू जीरो से कम, डायरेक्शन इज ऑनली अटैच, ठीक। तो यूनिट वैक्टर का फील आया, यूनिट वैक्टर क्या है, जीरो वैक्टर का भी फील आ जाएगा आगे वाला एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, और सारा वैक्टर क्लियर है कि नहीं है, ठीक, याद हुआ सारा क्या क्या है, फिर से बताया जाए, बोलो पैरेलल वेक्टर क्या, दे टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी पैरेलल इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन, चाहो तो लिख लेना, जो वीडियो देख रहा है चाहो तो लिख लेना, हम बता दे रहे हैं क्या, बोले पैरेलल इफ दे इंडिकेट क्या, सेम डायरेक्शन, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ इफ दे इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, एक नॉर्थ ईस्ट होगा तो दूसरा साउथ वेस्ट होगा, तो इफ दे इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, हाँ इक्वल वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड शुड रिप्रेजेंट, नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, को इनिशियल वेक्टर सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को इनिशियल सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को टर्मिनस सेम एंडिंग पॉइंट, को लीनियर इफ दे आर एग्जिस्टिंग इन द सिंगल लाइन, व्हाट आर द वेक्टर्स इन द सिंगल लाइन, डी एफ जी ऑल आर इन द सिंगल लाइन, बट ये वाला ये वाला ये वाला इज नॉट इन द सिंगल लाइन, को लीनियर वैक्टर्स आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल होगा नहीं तो पैरेलल होगा, फिर को प्लेनर, हाँ शुड लाई इन द सिंगल प्लेन, कौन कौन सा सिंगल प्लेन में ए है और बी है, ए बी आर इन द एक्स वाई प्लेन एंड डी आर एफ आर इन व्हाट, एक्स जेड प्लेन, फिर यूनिट वेक्टर, अच्छा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्री हो इंडिटर्मिनेंट हो, उसका यूनिट वेक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, डेफिनेशन यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय ओन मैग्नीट्यूड, पर्पस है
कैसे डायरेक्शन शो कर रहा है समझ में आ रहा है, और गिवन वेक्टर का डायरेक्शन बता, असाइनमेंट नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फील आया पहला क्लास, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, अगले क्लास में हम लोग इसी से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक, चलो।